हेलो फ्रेंड, एग्रीकल्चर कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लगातार मतलब 10 मिनट देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं से भी किसी प्रकार से कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी स्ट्रेटेजी है ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेस पे रही है। मैंने भी इफको का मतलब मेंस दिया है और किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आप इसको कितना कितने लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना एनालिसिस क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी एनालिसिस बताऊंगा। और पेपर किस लेवल का आता है, क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं, प्री कैसा देना है, मेंस कैसा देना है, इंटरव्यू में कैसे अपियर होना है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा और आपको किसी प्रकार की मतलब कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात की जाए अगर दोस्तों इफको AGT 2023 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें क्या बुक फॉलो करनी चाहिए और हमें किस प्रकार से टेस्ट देना चाहिए या किस प्रकार से हर दिन टेस्ट देना चाहिए, हर वीक टेस्ट देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने जैसा आपको बताया है और आप अपना खुद का भी एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पेपर की भी मैं आपको तैयारी एनालिसिस करवा दूंगा और आपके खुद के एनालिसिस और मेरे एनालिसिस एक्सपीरियंस बेस पे जो अगर इसकी स्ट्रेटेजी देखी जाए, तो अगर आपने ठीक ठाक तरीके से अभी तक पढ़ा हुआ है तो अगले 1 महीने से 1.5 महीने में आप इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और वो आप इफको AGT 2023 में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी में मैं आपको अगर बुक के लिए रिकमेंडेशन करूं कि आपको किस प्रकार की बुक कौन सी बुक लेनी है, तो मैं आपको सिर्फ यही 3 बुक का रिकमेंडेशन करूंगा। जैसे बात की जाए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नीमराज शुक्ला, क्योंकि मैंने इसका मतलब ओपन एनवायरमेंट में प्री होता है, मैंने इसका प्री दिया था और जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रकार से अगर बात की जाए कि अगर सरल भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाता है क्वेश्चन, तो अगर आप क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चन का एनालिसिस सही प्रकार से कर सकते हैं तो आपसे ये आप समझ लीजिए कि इफको प्री का पेपर आप आराम से आपको मतलब मेंस में आप अपियर हो पाएंगे। जैसे अगर जो बुक है कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज शुंडा सर की या ऑब्जेक्टिव बुक SR कांटवा सर की और अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 और 2, तो इसमें अगर आपको किस प्रकार से तैयार करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज शुंडा सर की है वो बुक आपको अच्छी तरीके से एक बार पूरी पढ़ लेनी है। एक बार पढ़ने के बाद में आपको जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कौन कौन सी चीजें मतलब रिपीट होती हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से बुक को जल्दी से जल्दी खत्म करना है और कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा वो देना है आपको, इम्पोर्टेंट देना है और रिविजन बारी बार करना है, ये आपको कंप्लीट करते चलना है। उसके बाद में अरुण कात्यायन की जो वॉल्यूम 1 और 2 है इसमें जो मेन चीजें हैं जैसे एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, इंटमो हो गया, इनके जो मेजर जो टॉपिक है और स्पेशली अगर बात की जाए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एग्रोनॉमी के मतलब इजी क्वेश्चन रहते हैं, सोयल साइंस के भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं, एक्सटेंशन के भी क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं। मतलब अगर आपने अरुण कात्यायन को अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद में मतलब SR कांटवा की ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो मतलब ये मैं श्योर हूं कि अगर आपका प्री आराम से निकलेगा। उसके बाद में अरुण कात्यायन को मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अरुण कात्यायन की जो वॉल्यूम 1 और 2 में जो मतलब मेजर सब्जेक्ट है, जैसे बात की जाए एग्रोनॉमी हो गया, सोयल साइंस हो गया, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इनको आपको इन वाले टॉपिक को नेमराज शुंडा से पढ़ने के बाद में इन वाले अरुण कात्यायन के टॉप मतलब वॉल्यूम में जाना है, फर्स्ट और सेकंड में जो जो मतलब मेजर टॉपिक है इनमें जाना है और एक बार आपको दोबारा से वही टॉपिक का फिर से पढ़ना है। मान के चलिए जैसे आपने नेमराज शुंडा में राइस क्रॉप पढ़ी या वीट क्रॉप पढ़ी, आप सेम जाइए अरुण कात्यायन में भी राइस के और वीट क्रॉप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप सेकेंड बार में उसको मार्कअप कर लीजिए। अगर आपने मार्कअप कर लिया सेकेंड के लिए तो एक बार आप पूरी बुक पहली बार पढ़ने के बाद में
सेकेंड बार में आप सिर्फ जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं वही क्वेश्चन आप पढ़िए, और साथ ही साथ में आप ऑब्जेक्टिव लगाते चलिए पर डे। मैं कहता हूं अगर आप पर डे के भी 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो ये आपको अभी तो मतलब कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप पेपर देने से एक दिन पहले जब जाएंगे तो आप बहुत फ्री माइंड से जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप, मैं कहूंगा कि आप 5 से 10 हजार क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस खुद से कर चुके होंगे और खुद से टेस्ट दे चुके होंगे, और ये टेस्ट आप ऑब्जेक्टिव SR कांटेवा से दे सकते हैं। मैं भी अपने YouTube चैनल पे मतलब टाइमली मतलब टेस्ट सीरीज टाइप क्वेश्चन लाता रहूंगा और डीप क्वेश्चन लाता रहूंगा, जिससे आप इससे भी मतलब देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आपने इतनी चीज फॉलो कर ली तो मैं श्योर हूं कि आपको किसी प्रकार के कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने इतना सेल्फ स्टडी कर ली। अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो उसका प्री आराम से निकलेगा। अब इसके बाद आते हैं अपन लोग मेंस में, तो मेंस में कैसा रहता है, मेंस में पूरे और एग्रीकल्चर क्वेश्चन रहते हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो प्री रहता है उसके साथ में मतलब करंट के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, और उनकी संख्या बहुत कम रहती है। अगर आपने उसमें से ठीक ठाक भी कुछ आपसे रीजनिंग बनती है या कुछ मैथ बनती, करंट आपके कुछ क्वेश्चन बन गए, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपने 10-15 ही क्वेश्चन ठीक ठाक सॉल्व कर लिए उसमें से, तो आप पे एक प्रकार से ये प्री और एग्रीकल्चर जो मेजर क्वेश्चन रहता है, मतलब मेजर पार्ट एग्रीकल्चर का रहता है, इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका प्री आराम से निकलना है। और एक प्रकार से उसके बाद में अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में पूरा एग्रीकल्चर आता है, और मेंस का जो एग्रीकल्चर रहता है वो बहुत एक प्रकार से कहें कि उतना डीप नहीं रहता है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मेंस की तैयारी करनी है तो फिर से मैं कहूंगा कि आप नेमना सुंडा वो पूरी पढ़ लीजिए थोरोली तरीके से और डीप तरीके से। अरुण कात्यायन के जो वॉल्यूम बढ़ाए, जो मेजर टॉपिक एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, मतलब जितने भी प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जितने भी मेजर टॉपिक हैं आपने इनको अरुण कात्यायन से कवर कर लिया, नेमरा सुंदर से कवर कर लिया, उसके बाद में SR कांटवा के अगर आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिए तो आप सीधे आपकी मतलब आप सीधे मुझसे ये पूछेंगे कि सर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है। अगर आपने इतनी चीजें तैयार कर ली, ये मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आपको किसी भी प्रकार के कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, और अगर आपने ये चीजें कर ली तो आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से ही इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और जो FO का जो तरीका रहता है पूछने का वो ज्यादा डीप नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए। और जो टेस्ट का मैंने बताया, टेस्ट आप पर डे 50 क्वेश्चन लगाइए, SR कांटवा से 50 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए कल से, तो जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा और आपकी प्री की तैयारी आराम से होगी। उसके बाद में आप मेंस के लिए भी, आपकी साथ में प्री के साथ में मेंस की भी तैयारी होती चलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेंस में भी आना है तो आप उसकी भी तैयारी साथ में होती चलेगी, और साथ में इंटरव्यू की भी, क्योंकि ओवरऑल पूछा जाना है एग्रीकल्चर से ही आता है, और कुछ करंट के सिनेरियो रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और इसमें आपको एक चीज और जो ध्यान रखनी है, उसमें आपको थोड़ा सा IFCO से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है कि IFCO का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, इसमें मतलब कौन कौन से अभी जैसे नैनो यूरिया, अभी इसके बाद में इन्होंने अभी करंट में DAP जो लिक्विड नैनो मतलब लॉन्च किया है, DAP लिक्विड लॉन्च किया है, तो इसके जो मेजर प्रोडक्ट हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ में जो भी मतलब इसकी जैसे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेजर प्रोजेक्ट, या इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसकी अगर आपने तैयारी कर ली, साथ में आप करंट की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका IFCO एग्जाम आराम से निकलेगा। और अगर आपको ये मतलब जानना है कि कॉम्पिटेटिव बुक में मतलब नेमरा सुंदर सर की बुक में और SR कांटवा सर की बुक में, अरुण कात्यायन सर की बुक में कौन कौन से मेजर टॉपिक है जो अपन लोग इसमें पढ़े, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये टॉपिक नेमरा सुंदर से आप पढ़ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव SR कांटवा से पढ़ लीजिए। और ऑब्जेक्टिव की भी बात की जाए दोस्तों, तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने, कुछ मतलब जैसे एग्रोनॉमी अच्छे से ऑब्जेक्टिव लगाना है, सोयल साइंस लगाना है, हॉर्टिकल्चर लगाना है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग लगाना है, फिर एक्सटेंशन लगाना है, इकोनॉमिक्स लगाना है, तो और उसके अलावा जो भी जैसे मतलब एनिमल हस्बेंड्री के लगा लीजिएगा, है ना, इसके अलावा जैसे आपको उस स्टेटिस्टिक्स के लगा लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट, तो आप इसी के बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं SR कांटवा के, दोबारा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, दोबारा से उसको ट्राई कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका गारंटेड है
कि आप प्री तो आराम से ही निकाल लेंगे, और फिर मेंस के लिए भी ओवरऑल मैं कहूंगा कि आपका मेंस भी निकलने वाला है अगर आपने इन चीजों को पढ़ लिया। इसके अलावा आप करंट के जो टॉपिक है, जैसे मान के चलिए कि जो करंट का मतलब इफको से रिलेटेड आपको पढ़ना है, उसके अलावा जैसे अभी करंट में G20 के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ मतलब मेन कौन है, और जैसे भारत इस समय अध्यक्ष था, तो मतलब पूरा करंट का जो सिनेरियो रहता है आपको वो पता होना चाहिए। साथ में एग्रीकल्चर से करंट किस प्रकार से लिंकअप है, जैसे अभी इफको ने DAP लिक्विड लॉन्च किया था, तो आपको ये पता होनी चाहिए उसके क्या फायदे हैं, ये पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अगर एक बार आपने कंप्लीट कर ली तो आपका मतलब एक प्रकार से ये है कि आप इफको AGT के लिए सिलेक्ट इंटरव्यू में भी जा रहे हो, साथ में सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये मेरे तरफ से स्ट्रेटेजी थी। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको ये जानना है कि इसमें भी मेजर मेजर टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं और मैं आपको जो इफको का प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस करवा दूंगा, और तो आपको कमेंट में ये बताना है कि अगर आपको इनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए अरुण कात्यायन से, तो मतलब तीनों बुक्स अगर जो भी इम्पोर्टेंट आपको चाहिए तो मैं उसकी भी आपकी तैयारी करवा दूंगा, कि आप कह दीजिएगा कि सर आप इसके रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपकी वो भी तैयारी कर दूंगा, बनवा दूंगा, और एक प्रकार से आप मतलब इसमें सफल होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो यही मतलब स्ट्रेटेजी थी, यही बुक थी, और यही टेस्ट है आपकी। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आप इफको AGT पे सिलेक्शन 100% श्योर, क्योंकि और मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाऊंगा, बस आपने इतनी सेल्फ स्टडी कर ली विदाउट किसी कोर्स की, आप तो आपका सिलेक्शन हो रहा 100%। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके बाद में अगर आपके जो भी सुझाव हैं आप हमको मतलब नीचे कमेंट में कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हैं, और आप साथ में हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी मान के चलिए आपके डाउट है तो आप डायरेक्ट उसमें भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।